खबर बांदा जनपद से। जब अबेरू कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल वाली गली में बिना डॉक्टर के सिवा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जा रहा था, जिसे सोमवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व बबेरू तहसीलदार के द्वारा मौके पर पहुंचकर सीज कर दिया गया है। वहीं कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला बबेरू कस्बे का है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल की गली पर फर्जी तरीके से बिना डॉक्टर के चलाए जा रहे सिवा डायग्नोस्टिक सेंटर की शिकायत थी, जिसमें लोगों की शिकायत पर दो बार नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी व सीएससी के डॉक्टर ऋषिकेश सिंह व डॉक्टर विपिन कुमार के द्वारा जांच की गई थी, जिसमें दोनों बार डॉक्टर नहीं मिले थे, जिसकी नेशनल खबर 9 द्वारा प्रमुखता से चलाया गया था। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सोमवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कौशिक बबेरू उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के पास पहुंचकर आपस में चर्चा किए। उसके बाद उपजिलाधिकारी के निर्देशन पर मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कौशिक व तहसीलदार अजय कटियार व सीएससी अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश सिंह के द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंचकर अल्ट्रासाउंड मशीन वाले कमरे को सीज कर दिया गया है। सीज करने के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लोगों की शिकायत के बाद भी बिना डॉक्टर की गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, जो कानूनी अपराध है। पर आप आए थे शिवा डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच करने, क्या है पूरा मामला? संचालक ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे डॉक्टर अस्वस्थ हैं, मैं अपना सेंटर बंद कर रहा हूँ, इसी क्रम में उसको सील कर दिया गया है। अच्छा, अगले आदेश किसी की शिकायत पे आप आए? नहीं, शिकायत नहीं, संचालक ने स्वयं प्रार्थना पत्र दिया है। इसके पहले भी दो जांचें हुई हैं, उसमें डॉक्टर नहीं पाए गए हैं, वो भी रिपोर्ट आपके पास गई है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? उस विषय में जल्दी जो भी उचित कार्रवाई की जाए। और सारी रिपोर्टें भी हैं, ये इधर कह रहे हैं काम नहीं हुआ, सारी रिपोर्टें जांच की मौके पे। तो अभी तो इनको सील कर दिया गया है, बाकी जितनी इन्होंने अपना प्राप्त दिया है स्पष्टीकरण, उसके विषय में पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए, जो उचित हो कार्रवाई की।